ये सर्च करता हूँ, आपको सबसे पहले वाला लिंक क्लिक करना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको दो मेथड्स के बारे में बताऊंगा, एक तो ऑनलाइन मेथड और एक ऑफलाइन मेथड। तो गूगल इनपुट टूल्स की खासियत ये है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो जो हम ऑफलाइन वाला मेथड सीखने वाले हैं वो हम गूगल इनपुट टूल्स को ही यूज़ करके सीखेंगे। तो जो गूगल इनपुट टूल्स है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये आपके क्रोम वेब ब्राउजर के लिए भी अवेलेबल है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश कीबोर्ड सेट नहीं बैठता या आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप इवन की अपनी लैंग्वेज का, जिस लैंग्वेज में भी आप टाइप करना चाहते हैं उसका कीबोर्ड भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश डिवॉर्क और इंग्लिश, और दूसरा यहाँ पर अलग अलग सिंबल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपको समझ लग जाएगा, इवन कि आप स्पेशल कैरेक्टर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हिंदी में टाइप करने के लिए यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिस्ट में हिंदी है, आप देख सकते हैं, और इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज भी है, जैसे पंजाबी हो गई। तो मैं अभी यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी हमें उसी तरीके से टाइप करना है जैसे हम क्विल पैड पर करें। आपका, हमारे ब्लॉग पर स्वागत है। तो इसी तरीके से आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब हम हिंदी में टाइप करने का ऑफलाइन मेथड देख लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो। इवन कि मैं भी पर्सनली अगर यूज़ करता हूँ, जैसे कि शाउट में हिंदी के आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, तो ऑफलाइन ही लिखता हूँ। तो दैट्स वाई मुझे ऑफलाइन टूल की ज़रूरत है, जिससे मैं आसानी से हिंदी में लिख सकूँ। तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑन विंडोज़ के बटन पर क्लिक करूँगा, बिकॉज मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता हूँ। तो अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप ऑनलाइन मेथड प्रेफर कीजिए। तो अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप आसानी से इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं गूगल इनपुट टूल्स को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑन विंडोज़ के बटन पर क्लिक किया, लिंक पर क्लिक किया, तो ये हमारे पास गूगल इनपुट टूल्स ऑन विंडोज़ का पेज ओपन हो गया। यहाँ से हम इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 22 लैंग्वेजेस में टाइप कर सकते हैं, जो यहाँ पर दी हुई हैं। इंडिया की नहीं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें रशियन वगैरह भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स भी बताए गए हैं, जैसे ऑफलाइन सपोर्ट, वर्ड कंप्लीशंस, पर्सनलाइज्ड चॉइसेस, इजी कीबोर्ड, क्विक सर्च, कूल कस्टमाइजेशंस वगैरह। तो यहाँ से आपको वो लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है जो आप ऑफलाइन टाइप करना चाहते हैं। तो अभी हमने हिंदी के लिए ये लैंग्वेज चुननी है, ये ट्यूटोरियल बनाया है, तो हम हिंदी पर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद गूगल की टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़कर एग्री करेंगे। अगर हमें टर्म्स ऑफ पॉलिसी एग्री है इनकी, तो यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, और उसके बाद सिंपली डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, बिकॉज वो मैं वीडियो में स्किप करने वाला हूँ। तो एक बार आप इसे डाउनलोड कर लें, उसके बाद इनका ऑनलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, उससे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब वो आपके इंटरनेट की कनेक्शन की स्पीड पर डिपेंड करेगा कि आपको वो कितनी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो बेसिकली 5-10 मिनट में आपका गूगल इनपुट टूल्स ऑफलाइन यूज़ के लिए पक्के तौर पर इंस्टॉल हो जाएगा। जब एक बार आपका गूगल इनपुट टूल्स ऑफलाइन यूज़ के लिए इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप नीचे ये आइकन देख पाएंगे EN का, यहाँ से आप लैंग्वेजेस को स्विच कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऑनलाइन भी बताया था। तो अगर आपने हिंदी में टाइप करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर हिंदी के बटन पर क्लिक कर देना है। तो अभी आप देखेंगे, जब आप हिंदी के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये बार ओपन हो जाएगा। तो अब आप उसी तरीके से यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं हिंदी में, जैसे आप ऑनलाइन कर रहे थे। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर भी दे देता हूँ, तो आज हमने सीखा। तो आप यहाँ पर ऑफलाइन में एक स्पेशल चीज़ देखेंगे,